तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। वहां पे मैंने पता किया था कि सबसे खूबसूरत जगह कहाँ है जो इस लोकेशन में हो, तो हम पहुंच चुके हैं धनरौल बांध। और यहां से आप व्यू देखेंगे ना धनरौल बांध का, तो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। अभी हम आपको दूर से व्यू दिखा रहे हैं, सामने वाला रास्ता गुजरता है बांध को होते हुए, तो हम लोग चलेंगे इस पे से आपको पूरा बांध दिखाएंगे और यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत लंबा चल के थक गए थे, तो आराम से पेड़ की छांव में रिलैक्स कर रहे हैं। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर आपको पूरा डैम घुमाएंगे, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स अब मौसम जो है थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया है, तो तब तक हम करते हैं जगह को पूरा एक्सप्लोर, तब तक आप एंजॉय करें यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स को। तो फ्रेंड्स आप पीछे का आर्किटेक्चर देख के आपको लगता होगा कि ये आर्किटेक्चर कितना पुराना होगा, यानी ये डैम कितना पुराना होगा और इसको किसने बनवाया होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये डैम इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये जो डैम है वो 1913 में बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और 1917 में ये पूरा डैम जो है बन के कम्प्लीट हुआ था। तो ये डैम ऑलमोस्ट 104 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना, यानी 104 साल से भी ज़्यादा पुराना डैम है, और उसका आर्किटेक्चर आज भी बिल्कुल एकदम वैसा ही है। तो पहले की चीज़ों में यही खास बात होती थी। तो फ्रेंड्स अगर हम इस डैम के स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब इसके डायमेंशंस की बात करें, तो ये जो डायमेंशन के अकॉर्डिंग इस डैम की जो हाइट है वो 21 मीटर है, यानी 69 फीट के आसपास, और ये जो डैम इसका जो विथ है, स्पैन जो है, वो है करीबन 6 मीटर का, और ये जो डैम है वो पूरा कवर करता है एरिया, वो 7000 मीटर है, जो कि आप देख सकते हो चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये अगर हम एक एंड से दूसरे एंड तक इसको नापेंगे तो ये मोर देन 7000 मीटर्स है, और ये जो डैम है वो घग्गर नदी में बना हुआ है, ये जो आप पूरा पीछे स्पैन देख पा रहे हो, तो कितना ही बड़ा और कितना ही दूर तक है। अगर आप ध्यान से वहाँ पे दूर पे देखोगे तो ऐसा लगता है कि कहीं स्काई और ये डैम का पानी कहीं मीट कर जाता है, तो इतना ज़्यादा बड़ा है ये। होगा मैंने आपको डैम का पीछे वाला आर्किटेक्चर दिखाया था, अब आपको फ्रंट से एक बार आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हो चेन लगे, उसमें गेट्स लगे हुए हैं, पानी का लेवल अभी थोड़ा कम है, नहीं तो पानी पूरा वहाँ तक होता है गेट तक। हम चलते हैं वहाँ पे आगे, अब इस रूट से और आगे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। गाइस सच में ये बहुत बड़ा डैम है, चलते चलते हालत ख़राब हो गई और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही है। अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 3 और अब भूख लगने लगी है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं डैम के सेंटर पॉइंट पे, आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, बहुत ही मस्त है। और यहाँ पे हमें कुछ यूट्यूबर्स मिल गए जो यहाँ पे कॉमेडीज वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भाई आपके चैनल का नाम क्या है? तो मनदीप सिंह ATO इनके चैनल का नाम है, ये मस्त कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, आप इनको देख भी सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बाकी हम आपको यहाँ की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और देंगे और वहाँ से भी आपको बीच से व्यू भी दिखाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और तेरी भाई ने तो डैम पे बाइक चला दी। मज़ा आ गया कतई जहर वाला। आप देख सकते हो ये डैम कितना ही ज़्यादा बड़ा है, और वहाँ पे आप देखोगे कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं, तो आगे पिकनिक स्पॉट भी है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो ये डैम कितना ऊंचा, और वहाँ पे देखो वाटरफॉल जैसा बह रहा है, और लोग आराम से मस्त नहा रहे हैं और इधर पिकनिक मना रहे हैं, तो क्या अमेजिंग व्यू, मेरा भी मन कर रहा है वहाँ पर चला जाऊँ। ये पता नहीं क्या है पानी के बीच में, लेकिन ये डैम इतना बड़ा और इतना व्यू अच्छा है ना कि कैमरा ऑफ करने का मन ही नहीं कर रहा, जहाँ भी देखो खतरनाक व्यू, मस्त वाला। तो ये है डैम का सेंटर पॉइंट, और आप देखो कितना ही वास्ट है ये चारों तरफ से। यहाँ पे लोग एंजॉय करते हुए, और इधर देखो कितने लोग पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं।
बच्चे हाय करते हुए। ये बहुत अलग सी चीज़ दिखी है मुझे, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मेजरिंग्स लिखी हुई हैं ध्यान से अगर इस पर देखोगे तो, और इसमें एक छोटी सी रॉड है, तो पानी का जब लेवल बढ़ता है तो रॉड ऊपर जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा लेवल है, तब इस वॉल को खोला जाता है जिससे कि वो डोर्स ओपन होते हैं वहाँ पर, जैसे कि पानी के प्रेशर को कम किया जा सके डैम के ऊपर से। फ्रेंड्स, धनरौल बांध का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अब बज गए हैं शाम के 3:30 और बहुत तेज़ भूख लगी है, तो हम लोग चल रहे हैं, कुछ देखते हैं खाने पीने का कुछ मिल जाता है। भाई यहाँ पे खाने के लिए बस चिप्स और कोल्ड ड्रिंक है और कुछ नहीं मिलेगा। इस वाले ब्लॉग में इतना ही, अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस वाले ब्लॉग में इतना ही, जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय। भाई यार इसके अलावा कुछ और भी यहाँ घूमने के लिए क्या? अगर रुकोगे तब तो बताओगे, रफ्तार में निकल गया ऐसा कि बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो जो हमें पसंद है कौन है कैसा है क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं।